राखी पर नहीं चलोगे? कब तक चलोगे? कब तक जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? जर्रा जर्रा गूंज रहा है क्रांतिकारी नारों से। माननीय श्री दरोगा प्रसाद सरोज जी, दीजिए लाइन दीजिए। परम सद्य अध्यक्ष महोदया, मैं सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूँगा। किसी ने लिखा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे, कि महसूस हो रहा है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, दुनिया में कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही मुहाफिज है। माननीय सदस्य, थोड़ा विषय पर बोलिए, शून्यकाल है, शून्यकाल। अध्यक्ष महोदया, मैं उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुनिए, सुनने की कोशिश करिए। ऐसे नहीं, बैसाखी पर नहीं चलोगे। माननीय सदस्य, आप तो अपने विषय पर बोलिए। चुप रहो, सुनने की आदत डालो। माननीय सदस्य, कल वहाँ हम भी होंगे, कल हम भी वहाँ होंगे, आप इधर होंगे। बैसाखी पर नहीं चलोगे? कब तक चलोगे? कब तक जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? जर्रा जर्रा गूंज रहा है क्रांतिकारी नारों से। ये पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा धन्यवाद। विषय पर मैं आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ 68 लोकसभा लालगंज से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं दलित परिवार से हूँ। मैं आपके संज्ञान में इस सदन के माध्यम से ये डालना चाहता हूँ कि मंदुरी हवाई अड्डा है, मंदुरी हवाई अड्डा बना तब विरोध नहीं हुआ। मैं समझता हूँ 85% लोगों की रोजी रोटी उसकी माँ, उसकी जमीन है, उसकी माँ को छीना जा रहा जबरदस्ती उत्तर प्रदेश सरकार। किसानों ने 1.5-2 साल से आंदोलन किया, आज भी आंदोलित हैं। मैं सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा, माननीय अध्यक्ष महोदया, उसकी माँ को मत छीनो। माँ को छीनोगे तो क्रांति हो जाएगी, ये घमंड टूट जाएगा, हम सारे लोग आंदोलित होंगे। इसलिए उस पर पुनः आप सरकार से यह कहिए कि वहाँ मंदिर हवाई अड्डे का विस्तारीकरण न हो, ये मैं आपसे मांग करता हूँ।